nations. वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज. कहते हैं कि वर्कर के लिए इंडिपेंडेंस कुछ अलग ही थी. क्या थी वो हमें इस वीडियो में देखना है. फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, प्लांटेशन वर्कर कौन से होते हैं, जो कि टी उगाते हैं, कॉफी उगाते हैं, उनको बोलते हैं प्लांटेशन वर्कर. कहते हैं कि उनके लिए फ्रीडम कुछ अलग थी. जैसे कि मैं प्लांटेशन वर्कर हूं, मैं अपनी अपने देश अपना जगह या स्टेट अपना विलेज टाउन छोड़ के प्लांटेशन वर्कर ओनर के पास आया हूँ. मान लो कि मैं मेरी मातृभूमि पंजाब है, ठीक है, मैं पंजाब से मुझे प्लांटेशन वर्कर रेंट पे ले जाए, जैसे कि मुझे खरीद लिए थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो मुझे एक साल के लिए खरीद ले और मुझे तमिलनाडु ले जाए, तमिलनाडु लेकर जाकर वो मुझे क्या करेंगे कि मेरे से काम करवाएंगे. और मेरे लिए फ्रीडम क्या होगा कि मैं अपनी मातृभूमि यानी मैं पंजाब में फिर से वापिस आ जाऊँ, यही मेरा क्या होगा फ्रीडम होगा, मेरे लिए यही स्वराज होगी, यही उनके लिए क्या थी स्वराज. कहते हैं कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के द्वारा प्लांटेशन को क्या होता था कि जैसे मैं भी तमिलनाडु चला गया, तमिलनाडु से मैं तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक मुझे वहां के प्लांटेशन ओनर ना बोले, जब तक मेरा मालिक मुझे नहीं कहेगा कि तुम पंजाब जाओ तब तक मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता हूँ, कि मैं तब तक अपनी मातृभूमि पे नहीं जा सकता हूँ जहां से मैं आया हूँ, अपने विलेज में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है. यही प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन. कहते हैं कि जो प्लांटेशन ओनर थे, जो मेरे मालिक थे, जो मालिक होते हैं वो काफी ज्यादा कम परमिशन देते हैं, वो नहीं चाहते उनका काम होके, ठीक है. कहते हैं वो इसलिए परमिशन ही नहीं देते. अभी मैं पंजाब से तमिलनाडु आया और एक मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, मालिक मुझे छुट्टी नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, अगर छुट्टी दे देगा तो सारे वर्कर चले जाएंगे तो उसका काम बंद हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा वो ऐसा नहीं चाहेगा, वो मुझे छुट्टी नहीं देगा. When we heard of the non-cooperation movement, कहते हैं कि जब वर्कर्स पे सुना, मैं अपनी एग्जाम्पल देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गई जो कि महात्मा गांधी के द्वारा है, जो कि गांधी उनको लगा, मुझे सुनने मैं अपनी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि तब वर्कर को क्या लगने लगा कि गांधी राज आ रहा है जिसके कारण क्या होगा कि हमें सरकार मिल जाएगी. उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टी गार्डन छोड़ना शुरू कर दिया. ओनर ने परमिशन नहीं दी, जो ओनर था मालिक ने परमिशन नहीं दी कि तुम छुट्टी पे जा सकते हो, बट लोगों ने खुद ब खुद ही काम छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उनको लगा गांधी राज आने वाला है, ठीक है. गांधी राज आने भी वाला था बट क्या हुआ कि जब वो रास्ते में जा रहे थे रेलवे और स्टीमर वर्कर की क्या थी स्ट्राइक थी वहां पे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो प्लांटर जो कि टी गार्डन छोड़ के जा रहे थे उनको बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, जिसके कारण क्या हुआ कि कईयों की मृत्यु भी हो गई और उनको अपने फिर से मातृभूमि में जाने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां पे रेलवे वर्कर की क्यों कर दिया गया क्योंकि वहां पे रेलवे वर्कर की स्ट्राइक लगी हुई थी. यहाँ पे आकर लास्ट का पॉइंट मेन आता है कि डिमांड कौन सी थी, जो लोगों की डिमांड कौन सी थी, जब जो लोग गांधी से करते थे स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के लोग मोस्टली डिमांड करते थे. यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ स्वराज द प्लांटेशन वाले पैरेंट से. ये आ सकता है कि जो वर्कर्स थे, ठीक है, वो कहाँ पे काम करना चाहते थे, दूसरे स्टेट से अपने सिटी छोड़ के असम. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब हुआ था, 1859 में. कौन सा एक्ट पास हुआ था 1859 में, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है. और ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अकॉर्डिंग क्या था, टी प्लांटेशन को क्या क्या बोला जाता था. इसके अकॉर्डिंग टी प्लांटर्स जो थे वो अपने मालिक यानी ओनर की परमिशन के बिना टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते थे, और जो ओनर थे काफी रेयर परमिशन देते थे क्योंकि उनका काम कोलैप्स हो जाना था अगर वो परमिशन दे दे. फिर लास्ट है कि लोगों को जो प्लांटर्स थे उनको क्या सुनने को मिला कि गांधी राज आ रहे हैं, लोगों का काम छोड़ना शुरू कर दिया. तो जो रास्ते में स्टीमर स्ट्राइक और रेलवे वर्कर के द्वारा स्ट्राइक लगी हुई थी और प्लांटर्स को पुलिस के द्वारा काफी ज्यादा मारा पीटा गया, दंगे फसाद हुए. और फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि कौन सा जो एक ऐसा लोगों की डिमांड थी जो कि स्लोगन की तरफ रेस हुई, वो है हमारे स्वतंत्र भारत, ठीक है. काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन जरूर करना, अभी से अभी कर लेना, साथ साथ में काम करोगे तो आपका अच्छे तरीके से पूरे तरीके से कंप्लीट हो.